हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन इमेजिनेशन। गाइस, आज हम बात करेंगे इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इस आइकन को क्लिक कर लेंगे और दोस्तों इसके बाद एक्सप्लोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद वाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ब्लैक को थोड़ा सा कम कर लेंगे। और दोस्तों आप अपने हिसाब से इस तरह से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों नीचे इस आइकन को क्लिक करके मिक्स्ड ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद इस सारे कलर को फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम फोटो को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद नीचे इस आइकन को क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फोटो का हिसाब से इस सारे टूल को एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम फोटो को एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद फोटो को कर देंगे सेव। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा फोटो कुछ इस टाइप का बन चुका है। इसके बाद दोस्तों हम फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पहले हम फोटो का हेयर को ठीक ठाक कर लेंगे। तो पहले हमें साइड पे इस आइकन को क्लिक करना है और इस नीचे स्क्रॉल करके इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों सेटिंग पे जाके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों ब्रश टूल को एडजस्ट करने के बाद हम इस तरह से अपनी हेयर्स को इस तरह से सेट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम हेयर्स को एडिट कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फेस एडिटिंग को स्किप कर लेती हूँ। अगर दोस्तों फेस एडिटिंग के लिए एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फ़ोटो को हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ले जाएंगे। इसके बाद स्टिकर आइकॉन पे जाएंगे। इसके बाद ऊपर स्काई फोटो सर्च करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे बहुत सारे स्काई का फोटोस मिल जाएगा।
इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इस स्काई को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फोटो का ऊपर इस तरह से स्काई को सेट करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद दोस्तों डार्कन टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फेस के ऊपर इस तरह से इरेज करना है। इसके बाद दोस्तों ऊपर राइट क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ऐड फोटोज ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद इस लाइट पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे और स्किन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह से छोटा बड़ा करके फोटो का हिसाब से लाइट पीएनजी को सेट करेंगे। इसके बाद टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों फोटो को हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिए हैं और इसके बाद ऊपर राइट क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फाइनली हम फोटो को अच्छी तरह से एडिट कर लिए हैं और इसके बाद फोटो को कर देंगे सेफ़।